हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू और आप देख रहे हैं टेक गवर्नमेंट। दोस्तों आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और यह जानकारी लें कि अगर आपको डोमेन का एक्सपायरी डेट चेक करना है तो कैसे चेक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, अगर आप वेबसाइट पर काम करते हैं अपना डोमेन नेम का एक्सपायरी डेट भूल गए हैं, ज्वाइनिंग डेट भूल गए हैं कि हमारा ज्वाइनिंग डेट और एक्सपायरी डेट कब था, तो उसके बारे में मैं यही वीडियो बना रहा हूँ। पूरी जानकारी आपको दूंगा, आप डोमेन का एक्सपायरी डेट और ज्वाइनिंग डेट दोनों देख सकते हैं बहुत ही आसानी से एक वेबसाइट के माध्यम से। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं ऐसे अच्छे से अच्छी वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा, क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा, चलिए मैं पूरा प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। मैंने लॉगिन किया था, लॉगिन नहीं करना पड़ता है दोस्तों, बस लिखना पड़ता है। देखिए ये वेबसाइट जो आपके सामने आई है, जो हमने सिलेक्ट किया है, बस यही आपको टाइप करना है। आप ध्यान से देख लो उसको, whois.domaintools.com इस वेबसाइट का नाम है। इसको जब आप क्रोम में लिखने के बाद इसको इंटर मारेंगे, इस इंटर मारने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको लॉगिन और साइन अप करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपना डोमेन का एक्सपायरी डेट या ज्वाइनिंग डेट देखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए हमारी एक वेबसाइट है, हम वेबसाइट पर जाके यहाँ सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने पूरा इसका डिटेल खुल के आएगा। ओके दोस्तों ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप क्रोम में जाकर इसको टाइप करना। देखिए मैं अपने वेबसाइट का डोमेन नेम भूल गया था कि मैंने कब रजिस्टर किया था, और मुझे डर था कि एक्सपायरी डेट होने के लिए जल्दी भी आ सकता है, कभी भी एक्सपायरी डेट हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने यह वेबसाइट ढूंढी और मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों देखिए डेट पे आएंगे, 255 डेज ओल्ड, यानी कि 255 डेट का हमारा डोमेन है। क्रिएटेड जो हमने इसको क्रिएट किया था 2019 में दूसरे महीने में 23 तारीख को, ओके यानी कि फरवरी में 23 तारीख को हमने किया था। तो इसका एक्सपायरी डेट जो है वो 23/2/2020 को ख़त्म हो जाएगा। ओके तो दोस्तों यह अपडेट करने के लिए दो महीने पहले ही बोलता है, जैसे 2019 को 10वें महीने में ये बोल देगा 4 महीना पहले कि आप इसको अपडेट कर लीजिए, लेकिन कौन करता है, 4 महीना कम नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमें यह मालूम पड़ गया कि हमें इस डोमेन को कब दोबारा रिन्यूअल कराना है, अब हमें भी संतुष्टि हो गई। और आपको भी अगर चेक करना हो तो इस वेबसाइट पर जाके, क्रोम में जाके यहाँ लिख के आसानी से अपनी वेबसाइट का डोमेन पता कर सकते हैं, उसका एक्सपायरी डेट पता कर सकते हैं। दोस्तों बस वीडियो इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर दें अगर अच्छी लगी हो तो। भैया ओके नमस्कार।